मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे परिवार में मेरी चार लड़की है, एक लड़का है। हम सात जने मियां बीवी लेके। और मैं कबाड़े काम करता हूँ, कबाड़ा बीनता हूँ। मैं सुबह 4:25 पर उठता हूँ। पाँच बजे तक मैं निकलता हूँ काम पे रेडी लेके। फिर कबाड़ा बीनते बीनते यहाँ से सरिता विहार जाता हूँ। सरिता विहार से साइन बाग होता हुआ बटला हाउस ओखला। यहाँ से होता हुआ फिर 9 नंबर से होता हुआ वापस अपने घर आता हूँ। मुझे 2 बज जाते हैं, कभी कभी 2:30 बज जाते हैं, कभी 1 बज जाता है। जिस टाइम मुझे माल मिल जाता है मैं उस टाइम वापस आ जाता हूँ कबाड़ में। कबाड़े काम होता है जैसे हम प्लास्टिक व्लास्टिक गत्ता वत्ता मोम मोम जाम ये उठाते हैं रास्ते में से। उठा उठा के फिर बाद में उसको ला के घर पे उसको छटाई करके फिर बेचते हैं। उससे जो पैसा आता है उसको हम अपने घर खर्चा वर्चा करते हैं घर में। जिस काम में 200 भी कम जाते हैं, कभी 250 भी कम जाते हैं, कभी कभी 100 भी कम जाते हैं, कभी 50 का भी मिलता है। मतलब ये तो उसके ऊपर बात है, कबाड़ के ऊपर, कबाड़ जितने का मिल जाए उतने। जो कमाते उसी में चलाना पड़ता है। अब किसी महीने में किराया भी नहीं हो पाता है हमारा, और किसी महीने में अगर किराए का वो करते हैं तो खाने पीने की थोड़ी परेशानी हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कबाड़ मिलता ही नहीं है तो फिर खाना भी नहीं बनता घर में। मैं जो काम करता हूँ ये तो 50 का 100 का जो भी मिलता मिलता है, मगर मुझे मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। मुझे खाली शर्म है खाली दूसरे के आगे हाथ फैलाने में, भीख मांगने में, कि भीख नहीं मंगवावे अल्लाह ताला, खाली मेहनत करवावे। चाहे जितना भी मेहनत हो मैं पीछे नहीं हटूंगा कभी मेहनत से। इस झुग्गी का किराया देना पड़ता है हमें, इस झुग्गी में रह रहे हम, 3,000 रुपये किराया देना पड़ता है झुग्गी का। बिजली का बिल कभी 600 भी आता है, कभी 700 भी आता है, कभी कभी 800 भी आता है। तो जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ जब से तो ये स्कूल बंद है, इसलिए बच्चे जाते नहीं। अभी जिन्हों जान से पढ़ाना चाहता हूँ अपने बच्चों को मैं, और इनके पढ़ाने के चक्कर में और इनको कुछ बनाने के चक्कर में मैं जो काम मिलेगा मैं वो सब करने को तैयार हूँ। जो काम कर रहे हैं उसके अलावा अगर कोई भी काम एक्स्ट्रा मिले मुझे कुछ भी, मैं ओवर टाइम करने के लिए तैयार हूँ।